टू एम के बी स्पेशल टेक एजुकेशन। तो डियर गाइज, आज के इस वीडियो में हम इसरो में आई हुई लेटेस्ट वैकेंसी के बारे में जानेंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो प्रपल्सन कॉम्प्लेक्स महेंद्रगिरी में जो लेटेस्ट रिक्रूटमेंट निकल कर आया हुआ है, उसकी पूरी डिटेल आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। डियर गाइज, अगर आप अभी भी हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल के ऑप्शन पर क्लिक कर लीजिएगा, जिससे कि हमारी सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो यहाँ पर इसरो प्रपल्सन कॉम्प्लेक्स में किन किन पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है, कैसे आप आवेदन कर सकते हैं, क्या अंतिम तिथि होगी, क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया रहेगा, साथ ही आप कैसे आवेदन कर पाएंगे, ये सारी डिटेल आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसरो की तरफ से जो महेंद्रगिरी में विज्ञापन निकाला गया है, जो कि महेंद्रगिरी तिरुनेलवेली डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु में स्थित है। यहाँ पर डिप्लोमा वाले कैंडिडेट और आईटीआई वाले कैंडिडेट के लिए वैकेंसी निकाली गई है। बात करेंगे डिप्लोमा वाले कैंडिडेट की, तो यहाँ पर वे कैंडिडेट जिन्होंने मैकेनिकल से डिप्लोमा किया हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक्स से डिप्लोमा किया हुआ है, इलेक्ट्रिकल से डिप्लोमा किया हुआ है, कंप्यूटर साइंस और सिविल से जिन कैंडिडेट्स ने डिप्लोमा किया हुआ है, वे कैंडिडेट भी यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। अब टेक्नीशियन बी की पोस्ट के लिए वे कैंडिडेट जिन्होंने आईटीआई किया हुआ है और आईटीआई उत्तीर्ण हैं, उन कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर बेहतर अपॉर्चुनिटी निकल कर आई हुई है। अगर आपने फिटर से आईटीआई किया हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक से आईटीआई किया हुआ है, वेल्डर से, रेफ्रिजरेशन एंड एसी कंडीशनिंग से, इलेक्ट्रीशियन से और प्लम्बर से आईटीआई किया हुआ है, तो यहाँ पर इसरो प्रपल्सन कॉम्प्लेक्स इसरो में आपके लिए बेहतर अपॉर्चुनिटी है। अगर आपने फिटर से आईटीआई किया हुआ है और आपके पास फिटर 10th पास प्लस फिटर का सर्टिफिकेट है, एनसीबीटी सर्टिफिकेट आपके पास है, या नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट अगर आप योग्यता रखते हैं एनएसी की, तो यहाँ पर आप आवेदन कर सकते हैं। इसी प्रकार भारी वाहन चालक ए के लिए यहाँ पर हैवी व्हीकल ड्राइवर के लिए वैकेंसी निकाली गई है, जिसके पे स्केल की बात करेंगे तो 19,900 से 63,200 रुपये होगा, जबकि टेक्नीशियन बी की पोस्ट के पे स्केल की बात करेंगे तो 21,700 से 69,100 रुपये आपका यहाँ पर वेतन मान रहने वाला है। यहाँ पर इसके अलावा लाइट व्हीकल ड्राइवर की भी वैकेंसी निकाली गई है, जिसके लिए वैलिड होना चाहिए आपके पास एलबीडी लाइसेंस, यहाँ पर पब्लिक सर्विस बैज आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा फायरमैन ए के कैंडिडेट के लिए भी वैकेंसी निकाली गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आपको डिटेल जानना है तो आप इसरो की वेबसाइट दी गई है http://www.iprc.gov.in पर जाकर कैरियर सेक्शन पर पूरी डिटेल दी गई है। इसकी जो आवेदन करने की तिथि है 27 मार्च 2023 से 24 अप्रैल 2023 तक आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पर कौन सी डेट से लेकर कौन सी डेट तक आप आवेदन कर सकते हैं, किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी है और कौन कौन यहां पर आवेदन कर सकते हैं, ये सारी डिटेल आपको इस वीडियो में दी गई है। अगर आप इस नोटिफिकेशन को पाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दे दी गई है, वहां पर जाकर आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप इसी प्रकार की वीडियोज़ पाना चाहते हैं, इसी प्रकार के जॉब और गवर्नमेंट जॉब्स के नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल के ऑप्शन पर क्लिक कर लीजिएगा, जिससे कि सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।